दतिया जिले से है, जहां उनाव निर्वाचन में लगी ड्यूटी पर जा रहे नायब तहसीलदार पर अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर द्वारा रास्ते में ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है। गौरतलब है कि विगत कुछ दिन पूर्व नायब तहसीलदार अजय परसेतिया द्वारा अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों पर कार्यवाही की गई थी, जिससे बौखलाए रेत माफियाओं द्वारा सोमवार की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास से उन्नाव से महज 1 किलोमीटर पर नायब तहसीलदार अजय परसेतिया की गाड़ी पर ट्रैक्टर से हमला करने की कोशिश की गई। घटना को लेकर नायब तहसीलदार अजय परसेतिया द्वारा लिखित आवेदन उन्नाव थाने देकर घटना की जानकारी दी गई एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी नायब तहसील द्वारा की गई है। घटना को आखिर क्या कुछ कहा न्यूज चैनल के माध्यम से नायब तहसीलदार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आजकल नाम निर्देशन पत्र का कार्य चल रहा है उन्नाव में, तो मैं दतिया से रोज की तरह आ रहा था, लगभग 10-15 की बात है। उन्नाव थाने से लगभग 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रॉली जा रही थी, ट्रैक्टर जा रहा था। मैंने उसको रोकने का प्रयास किया, उसने नहीं रोका। जब मैंने फिर उससे आगे भी माना रोका रोड पर, तो उसने मुझ पर माना ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की। इसके बाद वो कच्ची रास्ता से कहीं बाहर चला गया। इस संबंध में मैंने उन्नाव थाना प्रभारी को अपनी शिकायत दर्ज कराई है और इस संबंध में कार्रवाई चाहता हूँ। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की ये घटनाएं घट रही हैं। रेत माफिया डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं शासन के प्रति समर्पित हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भूमाफियाओं के खिलाफ और रेत माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है, हम उसको आगे भी करते हैं। सर, क्या नाम है, क्या पोस्ट है? जी, मैं अजय परसेंडिया, नायब तहसीलदार दतिया, और मेरे पास वर्तमान में उन्नाव और राजापुर सर्कल है।